गाइस फाइनली न्यू पार्सल मुझे मिल चुका है। मैंने मंगाया था काफ़ी सारा नया नया प्रोजेक्ट मेकिंग के लिए सामान, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, डीसी मोटर वगैरह। तो फटाफट से अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाता हूँ मैंने कितना सारा सामान मंगाया हुआ है। पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया करके भेजा है कंपनी वालों ने। कहाँ से मैंने सभी सामान को ऑर्डर किया था, कितने कितने रुपये प्राइस वगैरह पड़ा है, सभी इस वीडियो में बताऊँगा। और आप भी खरीद सकते हो सभी सामान, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट देखना। और ये देख सकते हो गाइस इतना सारा सामान है, ये पूरा सामान ना 4000 रुपये का है। और यही सामान को अगर ना मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट में खरीदता ना तो 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ जाता मुझे, लेकिन मैंने जहाँ से ख़रीदा वहाँ पर मुझे बहुत सस्ता मिला। आपको भी मैं बताऊँगा कहाँ से ख़रीदना है, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह है कि नहीं, वो सब बताने वाला हूँ। चलो फिर एक एक करके मैं आपको सामान दिखाते जाऊँगा, साथ में प्राइस भी बताऊँगा, वीडियो को कम्प्लीट देखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से। तो दोस्तों ये मैंने मंगाया था बक कन्वर्टर मॉड्यूल है, 5 एम्पियर का बक कन्वर्टर है। इस वाले मॉड्यूल में दो छोटा छोटा पोटेंशियोमीटर दिया है, इन दोनों को घुमा करके हम वोल्टेज को और करंट यानी कि एम्पियर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इससे आप 12 वोल्ट का लिथियम बैटरी चार्जर बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकते हो। अमेजोन में इस वाले बक कन्वर्टर का प्राइस है 350 रुपये, लेकिन मैंने इसे 189 रुपीज़ का खरीदा है, लगभग आधे ही प्राइस में मुझे ये मिल गया। अब अगला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ मॉसफेट वगैरह मंगाया था, इसका नंबर है IRFZ44N मॉसफेट। इस वाले मॉसफेट से मैंने आपको इंडक्शन हीटर बनाकर दिखाया था, जो कि लोहे को एकदम लाल होते तक गर्म कर देता था। वैसे इस मॉसफेट से आप इन्वर्टर वगैरह भी बना सकते हो, उसमें भी ये काम आता है। ये मुझे 25 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिला है। चलो अब अगला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने कुछ टिकटॉक स्विच मंगाया था, आप देख सकते हो ये जो है प्रोजेक्टर वगैरह बनाने में बहुत काम आता है, और मेरे इधर ये मिलता नहीं था। इस वाले स्विच को मैंने 7 रुपए पर पीस के हिसाब से खरीदा हुआ है, 10 पीस। चलो अब अगला सामान दिखाता हूँ। ये दोस्तों मैंने BMS मॉड्यूल खरीदा, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये 12 वोल्ट का है और 20 एम्पियर का है, काफी बेहतरीन क्वालिटी का, आप देख सकते हो। अभी बरसात का मौसम आ चुका है और इन्वर्टर वगैरह भी मैं बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसकी बैटरी बनाने के लिए मैंने BMS को खरीदा हुआ है। और BMS के साथ साथ बैटरी को अच्छे से चार्जिंग करने के लिए मैंने बक कन्वर्टर भी खरीदा है, जो कि मैंने आपको आगे दिखा दिया। इस वाले 12 वोल्ट के BMS को मैंने 139 रुपीस का खरीदा है। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में खरीदोगे तो आपको 250 रुपए का मिलेगा। दोस्तों ये मैंने 18650 लिथियम बैटरी का चार्जिंग मॉड्यूल खरीदा है। ये माइक्रो USB पोर्ट के साथ है और ये वाला नया आया हुआ है, ये जो है टाइप सी पोर्ट के अंदर है, आप देख सकते हो। इस वाले मॉड्यूल से आप 18650 बैटरी के अलावा हर टाइप के 3.7 वोल्ट की बैटरी चार्जिंग कर सकते हो। इसमें इनबिल्ट BMS भी लगा हुआ है, जो कि आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट भी करेगा। इन दोनों चार्जिंग मॉड्यूल का प्राइस आप स्क्रीन में देख सकते हो, इतना इतने रुपए का मुझे मिला है। दोस्तों ये है 18650 बैटरी का सेल होल्डर, इसमें 3 सेल लग जाता है और आप बैटरी में बिना सोल्डिंग किए हुए 12 वोल्ट का बैटरी बना सकते हो इन सेल से, और इसे आप प्रोजेक्ट वगैरह में भी यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया सेल होल्डर है। इसे मैंने 39 रुपीज का खरीदा है। अब दोस्तों मैं आपको LED लाइट वगैरह दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास काफी सारा अलग अलग वेरायटी का है। इन पैकेट के अंदर 5 mm का LED है और हर एक पैकेट में 100 पीस LED लाइट है, आप देख सकते हो। मैंने अलग अलग कलर का LED लाइट खरीदा है, ये सभी ना दीपावली के समय बहुत काम आएगा डेकोरेशन लाइट बनाने में। इन पैकेट को मैंने 85 रुपीस का खरीदा हुआ है। अब अगला प्रोडक्ट दिखाता हूँ। दोस्तों ये RGB बटन LED लाइट है, बहुत ही पावरफुल 3 वाट का LED लाइट है, आप देख सकते हो। इसमें 3 पिन दिया है अलग अलग LED लाइट को कंट्रोल करने के लिए। इस वाले RGB लाइट से इस टाइप का DJ लाइट भी बना सकते हैं। ये रिमोट कंट्रोल से चलता है और बहुत ही ब्राइटनेस के साथ जलता है, डायरेक्ट इसे नहीं देख सकते, आंखों में बहुत जोर पड़ता है। दोस्तों ये मैंने कुछ अलग अलग कलर का DOB प्लेट भी मंगाया था, ये सभी 9 वाट का LED लाइट है, काफी तेज रोशनी के साथ जलता है। और इसे ना डायरेक्ट 220 वोल्ट में कनेक्ट कर दो, इसके बाद जलना लगता है, ये किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। इसका प्राइस है 15 रुपए, आप कोई भी कलर का खरीद सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको अलग अलग टाइप का DC मोटर दिखाता हूँ। तो ये वाला N20 गियर मोटर है, नया वेरायटी का है। इसका शाफ्ट काफी ज्यादा लंबा है, आप देख सकते हो, और इसमें मोटर भी काफी बड़ा साइज का लगा है। इसका मैग्नेट ना काफी तगड़ा साइज का है, आप देख सकते हो, काफी दूर से खींच ले रहा है, लगता है इस मोटर के अंदर नियोडिमियम मैग्नेट लगा है। दोस्तों पहले इस टाइप के N20 गियर मोटर आता था, छोटा साइज का, छोटा शाफ्ट और छोटा मोटर के साथ, लेकिन अब के बार इस टाइप का बड़ा मोटर और बड़ा शाफ्ट के साथ आया हुआ है, ये देख सकते हो दोनों के मोटर में कितना डिफरेंस है। इसे N22 गियर मोटर कहना सही रहेगा, काफी ज्यादा हाई स्पीड और पावरफुल गियर मोटर है। तो इससे आप रिमोट कंट्रोल कार, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर और भी काफी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। इस वाले गियर मोटर को मैंने 119 रुपए का खरीदा है। यही सेम गियर मोटर अमेजोन और फ्लिपकार्ट में लगभग 200-300 रुपए का मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हो ये 555 DC मोटर है, तो आप भली बात ही जानते होगे इसके बारे में, तो मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 109 रुपए, जो कि काफी सस्ता है अदर वेबसाइट वगैरह से।
तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला मोटर, ये बहुत ज्यादा यूनिक है और अभी तक ये मोटर किसी यूट्यूबर के पास नहीं है। मैंने ही फर्स्ट टाइम स्टोर में देखा तो फटाक से मैंने इसे खरीद लिया। ये देखने में आपको 775 DC मोटर की तरह लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये 775 DC मोटर नहीं है, क्योंकि ये मोटर चलता है डायरेक्ट 220 वोल्ट से। कोई भी अडाप्टर या बैटरी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 220 वोल्ट घर के जो बिजली आता है उसमें कनेक्ट कर दो और ये मोटर चलने लगेगा। दोस्तों ये डीसी मोटर इस टाइप का हैंड मिक्सर ग्राइंडर आता है ना, इसमें का ये मोटर है, काफी ज्यादा पावरफुल हाई स्पीड वाला मोटर है और ये डीसी मोटर है। इस वजह से यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, आप देख सकते हो, जो कि एसी करंट को डीसी करंट में बदल करके इस मोटर को देता है। दोस्तों ये काफी ज्यादा हेवी मोटर लग रहा है, चलो तोल कर देखते हैं इसका वेट कितना निकल कर आता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों 384 ग्राम इसका वेट है, बहुत ज्यादा हेवी मोटर है। तो अभी इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर प्लग जोड़ दिया है, तो चलो अब मैं इसे चलाकर दिखाता हूँ। सेफ्टी के लिए दोस्तों मैंने हाथ में ग्लव्स भी लगा दिया है और मोटर के शाफ्ट में एक टेप भी बांध दिया है ताकि आपको मोटर के स्पीड का पता लग सके। ये मैंने एक्सटेंशन बोर्ड के साथ प्लग कनेक्ट कर दिया, अब स्विच ऑन करते हैं। वाओ गाइस, काफी बेहतरीन तरीके से चल रहा है, मजा आ गया इसे चला करके। तो कोई बैटरी नहीं, कोई अडाप्टर नहीं, डायरेक्ट 220 वोल्ट से यहाँ पर चल रहा है, देख सकते हो बहुत ही हाई स्पीड से चल रहा है। और इसके हाथ से रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि पावरफुल मोटर है, मिक्सर ग्राइंडर का मोटर है, तो हाथ वगैरह भी ये काट सकता है। दोस्तों ये मोटर 775 DC मोटर से बस थोड़ा सा ही बड़ा साइज का है, लगभग 2-3 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा होगा। और इसका मोटर का शाफ्ट भी ना 5mm का है, जो कि 775 मोटर का जितना ही है। तो आप जो भी 775 DC मोटर के साथ कनेक्ट करके चलाते हो वो सब इस मोटर के साथ लगा करके इसका यूज कर सकते हो। दोस्तों इस वाले मोटर का प्राइस सुनकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि इस मोटर का प्राइस है ओनली 350 रुपए। दोस्तों अभी तक वीडियो में आपने जो भी सामान देखा वो सब नहीं खरीदते हो तो चलेगा, लेकिन इस वाले मोटर को जरूर से खरीद लेना, क्योंकि ये मोटर ना आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, ना अमेजोन में, ना मेकर बाजार में, किसी भी वेबसाइट में नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वाले मोटर और बाकी के सामान को मैंने कहाँ से खरीदा है चलो मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो गाइस, अभी तक आपने जितना भी सामान देखा इन सभी को मैंने एक व्हाट्सएप स्टोर से ऑर्डर किया था, स्टोर का नाम है सर्वमार्ट। इस स्टोर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, डीसी मोटर और प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको काफी सारा सामान मिल जाएगा बहुत ही चीप प्राइस में। और दोस्तों अमेजोन या फ्लिपकार्ट से काफी सारा सामान ऑर्डर करते हैं ना, तो उसमें एक और दिक्कत होता है डिलीवरी चार्जेस का। मान लीजिए मुझे इन्वर्टर बनाना है तो इन्वर्टर के लिए सर्किट बोर्ड, ट्रांसफार्मर और बैटरी की जरूरत है, वो सभी मैं खरीदता हूँ ना, तो वो सभी अलग अलग सेलर सेल कर रहा होगा अलग अलग जगह से, तो उनका अलग अलग डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता है, तो उन सभी का डिलीवरी चार्जेस काफी ज्यादा हो जाएगा मिला करके। तो उतने पैसे में तो आप शर्मा मार्ट से और भी काफी सारा सामान ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि शर्मा मार्ट में सारा का सारा सामान एक ही जगह से आता है, तो केवल एक बार ही आपको डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस। और दोस्तों 100% ट्रस्टेड स्टोर है, तो आप सामान ऑर्डर कर सकते हो। समर एक्सपेरिमेंट भाई ने भी सामान ऑर्डर किया था, आपने उनके ब्लॉग चैनल में देखा होगा अनबॉक्सिंग वीडियो ये वाला, तो आप भी सामान मंगा सकते हो, आपके घर में भी काफी अच्छे से सामान पहुंच जाएगा, कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके घर में सामान डिलीवरी हो जाएगा। और दोस्तों व्हाट्सएप स्टोर का लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जरूर से चेक कर लो, प्राइस वगैरह आपको बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से आप भी सामान ऑर्डर कर लेना। कैसे सामान ऑर्डर करना है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। चलो अब बाकी का जो सामान बचा है उसको मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। दोस्तों प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने काफी सारा अलग अलग टाइप का टूल्स भी खरीदा हुआ है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये मैंने छोटा सा कटर भी मंगाया था, इस कटर का शार्पनेस देखो कितना ज्यादा धारदार है, इससे आप काफी अच्छे से कटिंग कर सकते हो, बारीक बारीक काम कर सकते हो, एंड इसका ब्लेड ना बाहर निकल जाता है इस टाइप से। और इसके साथ 5 पीस एक्स्ट्रा ब्लेड भी मिल जाता है, जो कि काफी सही चीज है, ये कटर काफी ज्यादा काम आएगा प्रोजेक्ट बनाने में। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 109 रुपए। दोस्तों ये वाला मैंने इलेक्ट्रिकल टेप भी खरीदा है, 10-10 रुपए का मिल रहा था तो मैंने 2 पीस खरीद लिया। इसी टाइप से दोस्तों ये वाला थोड़ा यूनिक टाइप का डबल साइडेड टेप है, आप देख सकते हो, जो हम लोग आमतौर पर डबल साइडेड टेप यूज करते हैं वो फोम वाला होता है, लेकिन ये वाला टेप ना काफी ज्यादा यूनिक है, आप देख सकते हो एकदम पतला सा डबल साइडेड टेप है, और ये टेप काफी ज्यादा मजबूत है, आप एक बार चिपका दोगे तो आसानी से नहीं खुलने वाला। जो फोम वाला टेप होता है वो आसानी से 2-3 मिनट में खुल जाता है, लेकिन ये टेप काफी बेहतरीन तरीके से चिपका रहा है। इसको मैंने 119 रुपए का खरीदा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट में दोस्तों ये मैंने एल्युमिनियम फ्लक्स खरीदा है, एल्युमिनियम में सोल्डिंग करने के लिए, काफी बेहतरीन तरीके से इसे सोल्डिंग हो जाता है। इसका मुझे प्राइस पड़ा है 149 रुपए।
दोस्तों ये मैंने छोटा वाला हैक्सो ब्लेड भी खरीदा है, काफी बेहतरीन हैक्सो ब्लेड है। इससे पीवीसी पाइप पीवीसी को एकदम मस्त तरीके से काट सकते हैं और प्रोजेक्ट बनाने में बहुत काम आता है। मैंने काफी यूट्यूबरों को इसका यूज करते देखा था तो मुझे भी लगा इसको खरीदना चाहिए। इसका प्राइस है सिर्फ 45 रुपए। दोस्तों लकड़ी पीवीसी पाइप पीवीसी सीट और प्लास्टिक की कोई भी चीज कट करने के लिए मैंने 100 ब्लेड भी खरीदा है। ये 6 प्लीज का सेट है, पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसे ड्रिल मशीन रिमल टूल वगैरह में लगा करके पीवीसी पाइप वगैरह कट कर सकते हैं काफी बेहतरीन तरीके से। इस वाले सेट को मैंने 250 रुपए का खरीदा है। दोस्तों ये है सिलिकॉन पेस्ट, इसे हम ग्लू की तरह यूज कर सकते हैं, साथ में थर्मल पेस्ट की तरह भी ये काम आता है। जो एलईडी लाइट का डीओबी प्लेट होता है ना, वो इसी ग्लू के द्वारा चिपकाया जाता है और हीट जो है इससे काफी अच्छे से ट्रांसफर होता है। इसका प्राइस है 179 रुपीज। तो दोस्तों इतना सारा टूल मैंने इस बार खरीदा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको अलग अलग टाइप का इन्वर्टर सर्किट बोर्ड दिखाता हूँ, जो कि बारिश के मौसम में इन्वर्टर बनाने का बहुत काम आएगा। तो दोस्तों ये वाला 200 वाट का इन्वर्टर किट है, आप देख सकते हो। इसमें बस आपको 12012 का ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है, इसके बाद आप इससे 200 वाट तक का लोड चला सकते हो। और इस इन्वर्टर किट को मैंने सर्वमार्ट से सिर्फ 229 रुपए का खरीदा है और यही सेम इन्वर्टर किट अमेजोन में 413 रुपए का मिल रहा है, बहुत महंगा मिलता है अमेजोन में। दोस्तों ये रहा दूसरा इन्वर्टर किट, इसमें आपको कोई सभी अलग से ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। बस आपको इन दोनों वायर में बैटरी कनेक्ट करना है और इसमें आउटपुट मिलेगा 220 वोल्ट। इस वाले इन्वर्टर बोर्ड से आप 100 वाट तक का लोड चला सकते हो। अमेजोन में इसका प्राइस है 411 रुपए, लेकिन सर्वमार्ट से आप इसे सिर्फ 260 रुपए में खरीद सकते हो। दोस्तों ये रहा तीसरा इन्वर्टर बोर्ड, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं भी नहीं मिलता है। ये 200 वाट का इन्वर्टर बोर्ड है, कम्प्लीट ये सेट है, इसमें कोई सा अलग से कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, देख सकते हो। सॉकेट लगा है, साथ में ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी लगा है और यहाँ पर 2 एलईडी लाइट दिया है, एक ओवरलोड के लिए और बैटरी के लिए है। और दोस्तों सिर्फ आपको ना इस रेड और ब्लैक वायर में बैटरी ही कनेक्ट करना होगा 12 वोल्ट का, इसके बाद आप इसमें 200 वाट तक का लोड चला सकते हो। काफी बेहतरीन इन्वर्टर बोर्ड है ये। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल नहीं है, इसे आप सिर्फ सर्वमार्ट के स्टोर से ही खरीद सकते हो। इसको मैंने सिर्फ 599 रुपए का खरीदा है। इसे मैं आपको जल्द ही इन्वर्टर वगैरह बनाकर दिखाऊंगा, जो कि बरसात में बहुत काम आएगा। गाइस ये रहा तीनों इन्वर्टर किट, इसमें से आपको जो भी पसंद आए उसे आप खरीद सकते हो, बहुत ही चीप प्राइस में आपको सर्वमार्ट में मिल रहा है, तो आप भी खरीद लेना और जल्दी मैं इसे आपको इन्वर्टर बनाकर दिखाऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना। हाँ तो दोस्तों सामान ऑर्डर करने के लिए आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप स्टोर का लिंक दे दिया है, उसमें क्लिक करो। इसके बाद दोस्तों आपका व्हाट्सएप में जो है स्टोर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफी सारा सामान है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसमें से आपको जो भी पसंद आ रहा है उसको सिंपली जो प्लस का बटन उसमें क्लिक करके ऐड टू कार्ट करते जाओ। जैसे कि मुझे ये वाला 220 वोल्ट का डीसी मोटर खरीदना है, तो सिंपली मैं इसे ऐड टू कार्ट करूंगा, नीचे में आ रहा है ऐड टू कार्ट, उसको दबाना है। और ये वाला सेल होल्डर भी मुझे खरीदना है, तो इसको भी मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। और देखते हैं नीचे में और कौन कौन सा सामान है। ये वाला 5 वोल्ट का हाई स्पीड वाला फैन भी मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों व्यू कार्ट का नीचे में ऑप्शन आ रहा है, उसमें क्लिक करके आप जो है टोटल कितना का सामान खरीदने वाले हो वो प्राइस वगैरह आप देख सकते हो, नीचे में आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आप कंफर्म करने के लिए प्लेस ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों पूरा जो कार्ट है ना ये सेंड हो जाएगा उसके कंपनी के पास। इसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको जो है रिप्लाई आ जाएगा और आपका एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा, तो आप भेज देना। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद पेमेंट के लिए आपको नंबर सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें आप गूगल पे फोन पे या पेटीएम के द्वारा पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका सामान 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जो है शिपमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक हफ्ते के अंदर सामान आपके घर में डिलीवरी हो जाएगा। तो काफी आसान है दोस्तों इस व्हाट्सएप के थ्रू सामान ऑर्डर करना, आप भी जरूर से खरीद लेना और 100% आपके पास जो है सामान पहुंच जाएगा, अगर आप पेमेंट वगैरह सब कुछ सही से करते हो तो। ना चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेकिंग की वीडियो में, बाय।